नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अरुण गाजीपुरिया के चैनल पे। तो आज हम सीखेंगे कि फॉर्चूनर का जो स्पेयर व्हील होता है, जिसे हमारे यहाँ स्टेपनी बोलते हैं, उसको कैसे रिमूव करते हैं। काफ़ी लोगों के पास गाड़ियाँ तो होती है लेकिन उनका नॉलेज नहीं होता है, और इसमें थोड़ा सा टेक्निकली अलग तरीके से दिया भी है कि इसका स्पेयर व्हील कैसे बाहर होता है। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना है, ये अपना टेल गेट खोल के, और ये दिखा दीजिए इधर से, और हमें ये टूल खोलना है। टूल खोलने के बाद हमें इसमें से ये रॉड वाला सेक्शन ये खोल के, इसमें एक टॉमी हुक होता है, इसमें मैं दिखा देता हूँ, ये जो टॉमी हुक है इसे निकाल लेना है, ठीक है। फिर इसको इसमें दबा के, इसको थोड़ा सा इसमें देखिए, एक ये पॉइंट होता है, इसको दबाने के बाद ये जाके इसमें एडजस्ट हो जाता है। तो इसे एक बार यहाँ कर लेते हैं, तो देखते हैं इसे। तो आपको क्या करना है, ये टॉमी हुक इस साइड से, मतलब ये आपके लेफ्ट हैंड पे ये हो, इसको ऐसे इंसर्ट करना है। जब आप इसको अंदर ऐसे इंसर्ट करेंगे तो एक पॉइंट पे जाके आपको एक आवाज़ फील होगा ये, ठीक है। देखिए एक खट से आवाज़ आई, इसके बाद ये ले लेना है और इसको ऐसे एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है। तो अब आप देखेंगे ये व्हील धीरे धीरे नीचे आएगा, आप नीचे करके थोड़ा दिखाइएगा। देखिए ये व्हील नीचे आ रहा है, इसको आपको जब तक करना है जब तक ये पूरा नीचे डाउन ना हो जाए, ऐसे घुमाना है, ठीक। थोड़ा जल्दी जल्दी घुमा लेते हैं, ये जब ऐसे करके भी आप घुमा सकते हैं। देखिए टेक्निकली ऐसे पकड़िए इसको, ये हैंडल इससे हाथ से, और इसको ऐसे और ऐसे ऐसे करके आप आराम से इसे काट दीजिए। तो ऐसे करके आपको ये घुमाना है तब तक जब तक ये नीचे पूरा जाके डाउन ना हो जाए। देखिए अब ये धीरे धीरे नीचे जाके ये डाउन हो गया, इसे आपको निकाल लेना है, यहाँ रख देना, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा आपको इधर ले आना, आप देखते हैं इधर से थोड़ा पास आना के दिखाइएगा, पास में आइए और पास में, ये खुलेगा कैसे, इसको थोड़ा सा आपको ऐसे अप करके, और इसमें देखिए एक क्या है, ये पार्ट है जो ये इसमें आके फंस जाता है, तो इसको थोड़ा आपको जब टायर नीचे आ जाए तो थोड़ा सा ऐसे टिल्ड करके या ऐसे उठा के आप इसे निकाल सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। अब ये है तैयार आपके, मतलब रेडी हो गया कि आप इसको फिर से आप अपने जिस वाले जहाँ पे लगाना चाहते हैं वहाँ आप लगा सकते हैं। अब फिर बात आ गई इसको लगाने की, इसको लगाने के लिए फिर क्या करना है आपको, आपको ऐसे ही यहाँ पे ले आना है, तो इसको फिर लगाने के लिए आपको क्या करना है कि ये वाला जो ये रॉड है इसे ले लेना है, और इसमें एक अंदर ऐसे करके हुक साइड पे आपको ले जाके इसे फंसा देना, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी आपको। अब देखिए ये फंस गया, देखिए करना क्या है, इसके बाद इसको वैसे ही फिर से फंसा लेना है। अब इसको क्लॉकवाइज ऐसे करके यहाँ पे, ये अच्छी आपको तरीका बता, इसको आप ऐसे हैंडल को पकड़िए और एक हाथ से इसको, और ऐसे करके आप इसे उठा सकते हैं, देखिए कितना आसानी से उठ जा रहा है। इसको जब तक उठाना है जब तक ये पूरा टाइट ना हो जाए, देखिए कितनी आसानी से ये उठ रहा है, ज़्यादा वेट नहीं फील हो रहा है। अब देखिए ये टाइट हो गया, यहाँ भी दिखाइए, यहाँ पे ये देखिए अब टाइट फील होने लगा, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, देखिए ए ये हो गया टाइट, ठीक है। अब इसे फिर से वैसे ही निकाल लेना है, आराम से निकालिएगा, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं, आराम से ये निकल गया। फिर इसको यहाँ से आपको इसको दबा के थोड़ा सा इसे निकाल लेना है ऐसे करके, फिर इसे आप यहाँ पे अपना जैसे था वैसे करके रख सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो आपको, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके पास फॉर्च्यूनर, इनोवा या लेजेंडर कोई भी मॉडल हो तो ये आप टेक्निक यूज़ करके अपना स्पेयर व्हील रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू।